बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हमारे घर पे कन्या भोजन है, साथ में मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। कल मेरी ननद का जन्मदिन था। मम्मी और दीदी दोनों जन आ चुकी हैं और कल दीदी का जन्मदिन था और वो भी सेलिब्रेट किया था हमने, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मनी सा नहीं हुआ, क्योंकि रात के टाइम केक कट रहा था इसलिए। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल हम लोग सब सोने लगे थे तब केक मंगाया है सडनली, और सडनली कटवा दिया। अब आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, यानी बाबू का जन्मदिन है, और मम्मी आई हैं, दीदी आई हैं, और कन्या भोजन भी हो रहा है। अभी आपने मंदिर तो देखा ही है हमारा, कितना सुंदर लग रहा है। आज पहली बार हमारी नई रसोई में हम लोग कुछ पकाने जा रहे हैं, इसीलिए कन्या भोजन करा रहे हैं। छोटी सी कलश पूजा है और कन्या भोजन है, तो पहले कलश पूजा करवाएंगे हम लोग और फिर कन्या भोजन करवाएंगे। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पहले कलश पूजा करवानी है, उसके बाद किचन में कुछ बनाएंगे हम लोग। सो चलो मैं थोड़ा सा अपना किचन का लुक दिखा देती हूँ आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपनी किचन हल्की फुल्की सी सेट कर ली है, ज़्यादा सेट नहीं की है, हल्की फुल्की सेट कर ली है फिलहाल में। ये देखिए गैस आ गया है यहाँ पे, और ये पूजा के लिए सामान है, ये देखिए ये पूजा का सामान है, और ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी किचन। और अभी इसका ना पूरा मॉड्यूलर बनने वाली है, लेकिन अभी इसका सिर्फ नाप गया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे कब तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उसमें समथिंग 15 से 20 दिन लग जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने अभी जमा लिया जैसे भी बना। तो मैं आपको खाती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे सारे स्टील के डब्बे आ गए, यहाँ पे ये बर्तन की टोकनी आ गई, यहाँ पे आटा चावल का डब्बा और पानी का डब्बा, और यहाँ पे राशन रखा हुआ है इसमें, और ये तेल रख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा छोटा सा फ्रिज, छोटा सा नहीं, आई मीन टू से बड़ा सा फ्रिज। ये देखिए डबल डोर वाला फ्रिज है, मैंने कभी लुक ही नहीं दिखाया आप लोगों को, फ्रिज आ भी गया और लुक भी नहीं दिखाया। सो हमारी किचन, ये देखिए अभी केक रखा ही हुआ है, ये देखिए, और कुछ फ्रूट्स एंड अभी बहुत सारा सामान इसमें जाएगा। सो ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी किचन। आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हमने थोड़ा सा ऐसे सेट इसलिए किया क्योंकि ये जो बड़े बर्तन थे नीचे रख रहे थे तो बार बार मंस उठा रहा था, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे रख दिया। और अगर कलश रखेंगे तो हमने यहाँ पे जगह रख दी है ताकि वो कलश यहाँ रख जाएगा। सो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। न्यू घर में, न्यू किचन में आज का व्लॉग आपको दिखाऊंगी, मैं क्या पका रही हूँ वो भी दिखाऊंगी, साथ ही हम छोटी सी जो कलश पूजा कर रहे हैं उसका लुक भी दिखाऊंगी। तो कलश पूजा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, एंड आई रियली रियली होप कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। और दीदी और मम्मी आ गई ना तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई, क्योंकि दीदी और मैं दोनों ने लग के जल्दी जल्दी काम कर लिया है। अब बस पापा जैसे ही आ जाएं पूजा के लिए, ये देखो ना सनलाइट में कितनी प्यारी वीडियोस आती हैं इतना फ़र्क है अंदर और सनलाइट में, और मुझे ये फ़र्क जो है ना बिल्कुल क्लियर भी दिखता है। सो बस अब जैसे ही पापा आ जाएंगे तो छोटी सी कलश पूजा होगी, उसके बाद खाना बनाएंगे। सो चलिए हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहेंगे, फिलहाल मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। हेलो गाइस, देखिए अब हमारी मेघा नई किचन में कैसे पूरी का लेट के काम कर रही। देखो आ गए पंडित जी। हाँ सो गाइस, पंडित जी आ गए हैं और हमारी कलश पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा एडिट करके ही ये पूजा दिखाऊंगी, बिकॉज इस पूजा में कम से कम हमें 45 मिनट लग चुके थे, तो इसलिए मैंने एडिट किया है। ओम केशवाय नमः। ओम मधवाय नमः। ओम पुनरेकाचा पुनातो मा पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थां गतो विया याय स्वरे पुनरेकाचं सर्वावयाभ्यां प्राशुचि वैशां कुर्वन् तो मजन हाथ में चावल लो अपने कुल देवी देवताओं को याद करो, हाथ जोड़ लो दोनों जन, अपने कुल देवी देवताओं को याद करो, माता जी को याद कर रही हो, अपने माता पिता को। ओम षष्ठी नायन्द्रो विद्यसर्वाः सतिनः दुःखा नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे कलश के पास चढ़ा दो, कलश के पास रख दो, दोबारा चावल लेकर के मन में गणेश जी का ध्यान करो।
सर्वेभ्यो समन्वताः श्रीमन् महागणाधिपतेर्वा गन्धद्वारा धुरादर्शाम्यत पुष्टाम करिष्णे हे श्रीं सर्वभूतानां तां होपे अभ्येश्वर्यं चामञ्चरादौ अर्चितात् श्रीशिरकुङ्कुमागतासुतामयान् वेदभक्त्या गृहाण परमेश्वरा फूर्चरा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलोद्भवानि ते पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृहाण परमेश्वरा दुवचरा कांडात कांडात परवंति पुरुषा परेवानो दूर्वेशः तेन चास्त्री करे संपिकाभ्याम नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि हे प्रसाद के लिए काला पदे तये सतो ब्रह्मा मध्ये मातुकला स्मिता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्त द्वीपा सुंदरा ऋग्वे यजुर्वेदाः साम्ये तो हत्रवणा श्री प्रणामि देवता भू नमः ध्यानम ध्यानार्थे यक्षगान समर्पयामि करस्वाचम पंडित जी भी आना चाहिए ना तीनों हाथ लगा लो गणेश जी का ध्यान करो प्रार्थना करो तो भगवान भोग लगा लो ओम नाभ्यायासि दंतर चुगम शीष्णो देवो समवर्तते पदव्याम भूमि सोला बना लो दोनों दर्शन दीवाल में अगल बगल ये दरवाजे में तो बनेगा नहीं सामने चले आ जाते यहां पे की सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ इसी ब्लॉग में। मुझे लगता है कि जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो थोड़ा कुछ ऐसा भी बता दूँ जो आपके लिए अच्छा हो। सो आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं दी मेकअप ब्रशेस बताइए, आपको ये अच्छी सी मेकअप ब्रशेस बताइए। सो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ कि मैं कौन से ब्रशेस फिलहाल यूज कर रही हूँ। सो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ये ब्रशेस कर रही हूँ रियल टेक्निक का यूज, और ये वाले ब्रशेस मेरे पास पहले से रखे हुए हैं। रियल टेक्निक के ये आई ब्रशेस मेरे पास पहले से हैं, ये देख सकते हैं आप जो मैं अभी यूज करती हूँ, और ये वाला मैंने आज यूज किया है ये वाला, ठीक है। सो अभी ये गंदा है, बाकी मैंने अभी फेस ब्रशेस मंगाए हुए हैं ये रियल टेक्निक के फिलहाल में। मैं कहा चलो पहले आपको दिखाऊंगी फिर इसे यूज करूंगी। सो ये तरीका आना चाहिए, आप एक ब्रश से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक हाइलाइटर, जैसे हम एक स्पॉन्ज है ना ये वाला, इससे हम फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं, इससे हम कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं, और ऑल्सो इससे हम पाउडर भी लगा सकते हैं। सो तरीका अच्छा होना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, आप एक ब्रश से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये रियल टेक्निक का ये सेट मैंने मंगाया हुआ है, और ये है शायद फाउंडेशन, एक मिनट इस पे लिखा है, ये है फेस ब्रश, यानी कि आप इससे फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये फाउंडेशन ब्रश है, और ये है आई थिंक सेटिंग ब्रश, और इससे आप अपना ये कंसीलर वगैरह सेट कर सकते हैं, एंड ये है आपका आई ब्रश। सो जैसे जो हमारी क्रीज ब्रश है ये, सो आपको इससे क्रीज बिल्डअप करनी है तो आप इससे कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ये है आपका पाउडर ब्रश, ब्लश ब्रश लिखा है इस पे, बट आप इससे पाउडर भी लगा सकते हैं बहुत इजीली। सो ये वाला मैंने ब्रश सेट मंगाया हुआ है, और ये मुझे बहुत अफोर्डेबल पे मिल गया था, ऑफर में बहुत सही मिल गया था मुझे। और अगर अभी ऑफर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, ऐड टू कार्ट कर लो, और जैसे ऑफर स्टार्ट हो जाए कर लो, खरीद लेना, क्योंकि अभी तो ऑफर नवरात्रि वाले चालू हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये वाली किट मंगाई, आप सभी को पता है कि फेशियल किट में मेरी जो फेवरेट है वो है ये ब्राइडल फेशियल किट O3 की, और ये बहुत अच्छी फेशियल किट है, मतलब बहुत अच्छी फेशियल किट है। सो इसके पहले जो मैंने मंगाई हुई थी वो मैंने यूज की थी, और वो मेरी दो बार चल गई थी, मतलब वन टाइम वाली नहीं थी, टू टाइम चल गई थी, और ये भी मेरी दो बार चल जाएगी। तो अभी हमारे परिवार में आने वाले दिनों में शादी आएगी तो हमें उसके लिए चाहिए पड़ेगी, तो हमने पहले से ही मंगा ली कि एक बार पहले करा लेंगे, एक बार शादी के टाइम पे करा लेंगे। सो ये मैंने मंगवाई हुई है, और ये मुझे वही 900 के समथिंग पड़ी थी, और इसमें आपका दो बार फेशियल होता है, और अगर आप पार्लर पे जाके इसका फेशियल O3 का फेशियल कराएंगे तो आपका 1000 रुपये में ओनली वन टाइम होगा। सो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदे में रहता है कि आप खुद किट मंगा लो, और आप 200-250 रुपये दे दो पार्लर वाली को और उससे करवा लो। ऐसे भी बहुत सारे पार्लर हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट ले जाके करा सकते हो। उसके बाद मैंने मंगाया हुआ है ये बॉडी क्यूपिड का बॉडी मिस्ट, ये वाला रोज वाला, ये इतना अच्छा मिस्ट है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसके पहले आज से 3-3.5 महीने पहले मैंने मंगाया हुआ था, और उसके बाद अभी मुझे लगा कि मुझे चाहिए, बिकॉज अब गर्मी आ रही है और गर्मियों में मिस्ट की जरूरत पड़ती है मुझे। परफ्यूम लवर नहीं हूं पर मुझे बॉडी मिस्ट बहुत पसंद है, सो मैंने इसलिए ये मंगाया हुआ है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है प्योर प्योर रोज वाली है, और मुझे बहुत पसंद आती है, मतलब बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो ये मंगाया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये प्लम का टोनर मंगाया हुआ है, ये है, और ये
राइस वाला है। सो पता है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, राइस वाटर एंड नायासिनमाइड इसमें 3% है। सो मुझे ये वाला टूनर ना बहुत समय से लगा था कि मुझे लेना है प्लम का ये वाला टूनर, फाइनली मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने लिया है ये वाओ के दो, एक नाइट जेल है और एक डे जेल है, ये मैंने दोनों मंगाए हुए हैं बिकॉज अब समर्स आ रहे हैं तो समर्स में हम ना ऑयली कुछ नहीं लगा पाते, बल जेल बेस में सब कुछ लगा लेती हूँ। तो ये जेल है तो मैं इसे आराम से लगा सकती हूँ दिन में और रात में, अदरवाइज मेरे को बहुत चिपचिपा वाला फीलिंग अच्छी नहीं लगती। समर्स में बस अच्छी नहीं लगती, विंटर्स में मुझे अच्छा लगता है मेरा ऑयली ऑयली सा फेस, मैं ऑयल लगाती भी हूँ लेकिन समर्स में नहीं। मैंने ये लैक्मी एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनेस सिरम मंगाया हुआ है और ये सिरम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी पैकेजिंग ऑल्सो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो ये आपको कुछ इस तरीके से इसको घुमाना होता है लाइक ऐसे और ये आपका प्रोडक्ट आ जाता है इस तरीके का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें हल्का सा ग्लो रहता है मिक्स, और मैं अभी मेकअप की हूँ बट फिर भी मैं लगा लूँगी क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली झेल ली हूँ। इसमें ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने फेस पे लगा लिया ये सीरम, उसके बाद आपका फेस एकदम से इतना शाइनी इफेक्ट देने लग जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया हुआ है। उसके बाद मैंने अगेन ये छोटू सा रियल का माइक्रो एसेंस मंगाया है, अगेन बहुत छोटा सा मंगाया है बिकॉज ये मुझे ना बड़ा मैं मंगा सकती हूँ ऐसा नहीं मंगा सकती बट बहुत कम यूज़ हो पाता है। मुझे ना ये ट्रैवल में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली है और बजट फ्रेंडली है, मुझे पर्स में छोटी छोटी चीज़ें क्यूट क्यूट सी अच्छी लगती हैं। सो ये मुझे छोटा मिल गया तो मैंने मंगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया हुआ है ये फेस सॉप का राइस वाटर ब्राइट फॉर्मिंग क्लींजर, और ये क्लींजर मैंने मंगाया हुआ है, मुझे ये क्लींजर बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले मैंने आज से 6 महीने पहले मंगाया था, वो मेरा ख़त्म होने पे आ गया तो मैंने पहले से ही मंगा लिया। इसका प्राइस वैसे तो है 690 लेकिन आपको ये बहुत कम प्राइस पे मिल जाता है क्योंकि इस पे ऑफर्स चलते रहते हैं। सो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है सो चलिए आप ब्लॉग को कंटिन्यू करिए, और हाँ लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो डिस्क्रिप्शन मेरा जरूर चेक कर लीजिएगा। सो दरवाजे पे शुभ लव एंड मैंने श्रांतिया बना दिया था और अभी हम लोगों ने बोला कि पंडित जी आप किचन पे आप बना दीजिए। सो किचन के दरवाजे पे पंडित जी से बनवाया हुआ है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से कलश पूजा हो गई है। अबांगी की पूजा आप लोगों को मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी बिकॉज ब्लॉग बहुत लेंथी हो जाता, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों में से कई लोग बोलते थे बहुत लेंथी ब्लॉग डालते हो, किसी को अच्छा लगता किसी को लगता है कि बहुत लेंथी हो गया। सो चलिए इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं एंड आई रियली रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।